तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आपका टेक्निकल वर्कडिप चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ, अगर आपका वॉल फैन चलते समय मूव नहीं करता है या फिर कह सकते हैं स्विंग नहीं करता है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। और जब हम इसकी रस्सी को खींचते हैं तो ऐसा लगता है रस्सी कहीं फंसी हुई है, और जो फ़ैन है वो एक ही डायरेक्शन में हवा देता है और रोटेट नहीं करता, मूव नहीं करता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना, आपके पास किसी भी कंपनी का वॉल फ़ैन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो वॉल फ़ैन है उषा कंपनी का है। तो सबसे पहले आपको इसके कवर प्लेट को खोल लेना, और जो इसका फ़ैन मोटर कवर है उसको भी खोल लेना है। यहाँ पर आपको कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं, इसी के साथ में आपको ये जो रस्सी दिखाई दे रही है, ये वाली जो पहली वाली रस्सी है, ये 3 स्पीड स्विच के साथ कनेक्ट हो रखी है। और ये जो दूसरी रस्सी है फ़ैन को मूव कराने के लिए होती है, जिससे क्या है फ़ैन जो है अलग अलग डायरेक्शन में घूमता रहता है, जिससे हवा हर जगह लगती है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है जो इसकी रस्सी कनेक्ट हो रखी है, इसके अंदर एक तार होता है, उसे चेक करना है इसमें तार है वो टूटा तो नहीं है। कभी कभार क्या होता है जो इसके अंदर तार होती है वो टूट जाती है या फिर कनेक्टर से निकल जाती है, जिसकी वजह से भी हमारे जो मूविंग वाली रस्सी है वो काम नहीं करती, जिसकी वजह से फ़ैन अलग अलग डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, रोटेट नहीं करता है। तो इस टाइप से हमें रस्सी को एक बार खींच के देखना है। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर खींचता हूँ जो इसके अंदर वायर है वो खींच रही है, देखिए यहाँ पर यहाँ वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर जो इसके अंदर वायर जो लगी हुई है वो ठीक है, और कनेक्टर में कनेक्ट भी हो रखी है, इसमें एक बार चेक कर लेना है। इसके बाद हमें क्या चेक करना है, देखिए एक बार मैं इसको पास लेके आता हूँ, फिर इसके बाद दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो वॉल फैन है इसके ऊपर मोटर के पास यहाँ पर एक वो लगा होता है, जैसे हम प्रेस करते हैं क्या ये इसका जो ये वाला जो स्विच है वो अंदर की तरफ चला जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने प्रेस किया अंदर की तरफ चला गया, और दोबारा प्रेस करेंगे बाहर की तरफ आ गया। तो ये चेक कर लेना यहाँ पर ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। इसमें क्या होता है जैसे हम प्रेस करते हैं तो क्या इसके अंदर जो गियर बॉक्स होता है, गियर टाइप का लगा होता है, वो क्या होता है कनेक्ट होता है, जैसे हमारा जो फ़ैन चलता है उसी के साथ ये फ़ैन क्या है मूव भी करता है, हर डायरेक्शन में मूव करता है, रोटेट करता है। और इसके अंदर जो गियर होता है वो मोटर के शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहता है, जैसे जैसे फ़ैन हमारा चलता है उसी के हिसाब से ये मूव भी करता है हर डायरेक्शन में। इस टाइप से आपको भी इस वाइट वाले नोब को एक बार प्रेस करके चेक कर लेना ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। इसमें बहुत ही कम प्रॉब्लम आती है, सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम आती है वो इसके जो अंदर वायर कनेक्ट होती है वो क्या होती है खिंच जाती है, जिसकी वजह से हमारा ये मूविंग वाला जो रोप है वो वर्क नहीं करता, रस्सी काम नहीं करती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है, देखिए जैसे मैं इसके रस्सी को खींचता हूँ क्या यहाँ पर ये वर्क कर रहा है, इसकी जो वायर जैसे मैंने बताया था वायर इसमें जो लगी हुई है ठीक है। क्या होता है जब हम लगातार यूज़ करते हैं तो ये इसकी जो रस्सी होती है वो खींच जाती है, या फिर कह सकते हैं आपको ये जो रस्सी दिखाई दे रही है इस पॉइंट पर कनेक्ट रहती है, क्या होता है ये निकल जाने की वजह से क्या होता है ये रस्सी टाइट हो जाती है, और जब हम इसे खींचते हैं तो यहाँ पर ये हमारा वर्क नहीं कर रहा। देखिए जैसे मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ ये आपको मोटर की साइड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा है जैसे हम खींच रहे हैं। अब हम एक बार मोटर की तरफ देखते हैं, यहाँ पर जैसे मैं इसकी रस्सी को खींचता हूँ तो यहाँ पर जो नोब आपको दिखाई दे रहा है वो प्रेस नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो मूविंग वाला पार्ट है वो वर्क नहीं करता है, इसी वजह से हमारा ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है वॉल फैन में। तो चलिए बात करते हैं इसे ठीक कैसे करना है। ठीक करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो आपको रस्सी दिखाई दे रही है इसी के साथ यहाँ पर ये जो वायर इसके अंदर कनेक्ट हो रखी है इसको यहाँ पर थोड़ा सा लूज़ कर लेना है, और इसी के साथ हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर जो इसके अंदर मोटर की तरफ जो ये पाइप गई हुई है इसको थोड़ा सा लूज़ कर देना है। क्या होता है वायर टाइट हो जाती है अंदर, जो वायर इसके अंदर वो टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से ये खिंचती नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो मूविंग वाला पार्ट है वर्क नहीं करता है, तो इसे लूज़ कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा लूज़ कर दिया है, और यहाँ पर देखिए इस तरह से कर लेना है, और आपको ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है जिसमें आपको यहाँ पर वायर कनेक्ट हो रखी है इसको इस टाइप से यहाँ पर लगा देना है। अगर ये बार बार निकल जा रहा है तो आप यहाँ पर फेविक्विक लगा सकते हैं, जिससे ये यहाँ से निकले ना। तो चलिए यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया, और एक बार हम इसके रस्सी को खींच के चेक करते हैं। तो देखिए एक बार खींचता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो मूविंग वाला पार्ट है यहाँ पर देखिए वर्क कर रहा है। तो देखिए जैसे मैं इसकी रस्सी को खींच रहा हूँ यहाँ पर जो मूविंग वाला पार्ट है यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है। तो दोस्तों इस टाइप से आप भी अपने वॉल फैन के रोटेशन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।